तो छोटी वीडियो में करते हैं दंगा और जल्दी स्टार्ट करते हैं, कहीं वीडियो हो जाए ना लंबा। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ फुल टू डिटेल के साथ में आपका रिफंड, जो जिसका भी बाइक फंसा हुआ है, और डिटेल में डिटो मैं छोटी पार्ट को भी स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो जरूर इस वीडियो के साथ में क्लियर होगा। आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस 100% एकदम जेन्युइन प्रोसेस है वही चीज को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्थिर हो जाओ, और आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको किस जीमेल में रिफंड मारना है उसको चलकर आपको देखना होगा प्ले स्टोर के बजट में। तो पहले आप यहाँ पर टारगेट कर लो कि कौन सा रिफंड को आपको रिफंड करना है। जैसे कि यहाँ पर प्ले स्टोर पर आओ, लोगों पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, यहाँ पर आपके देख सकते हो जीमेल आईडी है। तो ये जो भी जीमेल आईडी से आपको रिफंड करना है उसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक जीमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ जिसमें मुझे रिफंड करना है, जिस जीमेल आईडी से मैंने परचेज किया था, ये क्लियर हो गया। उसके बाद पे लोगो करके यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आओ। उसके बाद बजट एंड हिस्ट्री पर आपको आकर यहाँ पर क्या करना है कि आपको देख लेना है कि यहाँ पर कितने का बजट बना हुआ है, कौन सा है अमाउंट का जिसे मुझे रिफंड मारना है, ठीक है। आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो डिटेल जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, वरना दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बजट को देख लिया, यहाँ पर डेट को देख लिया, 11 अगस्त 2023 का है, ठीक है, और 11 अगस्त और आज देख सकते हो आज हो चुका है 2 सितंबर। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जब 11 अगस्त से पहले ही जब मैंने मतलब 11 अगस्त को ही मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, उस समय से ही ये कैंसिल होते आया था, ठीक है। तो इसको कैसे आप आगे प्रोसेस में कर सकते हो ताकि आपका रिफंड जो सक्सेसफुल हो सके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ से अब हम कर लेते हैं। उसके बाद में जीमेल पे आते हैं, जीमेल पे आने के बाद में यही जीमेल आईडी को हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये लोगो पे क्लिक करके जीमेल आईडी को सबसे पहले आपको चेंज करना है, सही जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही करोगे तो आपने जहाँ से पेमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा उसका मेल जरूर आया होगा इसके जीमेल में। तो चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये मिल गया मुझे। तो ये देख सकते हो कि ये 7,500 रुपये का मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, जिस पर लिखा गया था बट दिस पर्सन डजंट क्वालिफाई फॉर अ रिफंड, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी के अंदर नहीं आ रहा है। पॉलिसी के अंदर क्या नहीं आ रहा है, तो इनका कहना ये होता है कि अगर एक बार अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया और ये कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद में ये रिफंड नहीं हो सकता है। ये रिफंड किस स्थिति में हो सकता है, अगर आपका किसी भी प्रकार का एरर आता है, ठीक है, अगर एरर आता है तब आप रिफंड करोगे तो रिफंड सक्सेसफुल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, लर्न मोर अबाउट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मुझे कुछ अलग की जानकारी देखने को मिलती है, जिस हिसाब से डेवलपर बताते हैं उस हिसाब से नहीं जो गूगल ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर जान सकते हैं और डिटेल में कि क्या मतलब रिफंड का क्या पॉलिसी है। ये क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली आपको क्या करना चाहिए, डेवलपर से आपको बात करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि अगर आपके फैमिली कोई भी परचेज कर लिया एक्सीडेंटली, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रूल इन्होंने ही बनाया है, ठीक है, इन्होंने ही बनाया, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यहाँ पर और आपको यहाँ पर टाइमिंग भी दे दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर भी रिफंड मार सकते हो, ठीक है। तो ये सब इनका रूल टर्म एंड कंडीशन है, इसके अंदर में अगर आप आते हो तो आप रिफंड क्या कर सकते हो कि मार सकते हो। तो जैसे कि मैंने तुरंत ही अप्लाई किया था, अब दोस्तों आप बोलोगे कि 48 घंटे के अंदर ही रिफंड मारना है, आप तो कई दिनों के बाद में रिफंड मार रहे हो, ठीक है, मैं तो रूल से बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों उस समय कहा था कि मैंने तुरंत को परचेज किया था, तुरंत अमाउंट परचेज किया था, तुरंत रिफंड मारा था, उस दिन से मुझे इतना बार डेट मिलता है या डेट मिलता है कि 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक रिफंड नहीं मिला, ठीक है। तो देखो सही प्रोसेस से कैसे अप्लाई करना है, भाई ने आईडी दिए हुए और मैं यहाँ पर उनका प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके थ्रू आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि कैसे आपको रिफंड मारना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है तो अब ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस इस जीमेल आईडी पर पहले से हो चुका है। तो चलो मैं जीपीए नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, जीपीए नंबर का ही इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो देखो सबसे पहले आपको तो दो ऑप्शन पहले से ही मिलता है, एक होता है डेवलपर का, दूसरा होता है गूगल सपोर्ट का। देखो गूगल सपोर्ट क्या होता है कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर रिफंड के लिए आपका प्रोसेस को फॉरवर्ड करता है और चेक करवाता है बिल्कुल सही तरीके से कि आपको रिफंड मिल सकता है कि नहीं। डेवलपर क्या है, एक नंबर का एम सी, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये क्या करते हैं कि आपका रिफंड मतलब रिक्वेस्ट भेजते ही तुरंत कैंसिल कर देते हैं,
ठीक है। इसलिए मुझे यार ये डेवलपर से ना बहुत गुस्सा आता है कि भाई हम लोग सिचुएशन को समझते भी नहीं है और तुरंत को तुरंत रिफंड को कैंसिल कर देते हैं। तो हमें डेवलपर के पास जाना चाहिए या फिर गूगल सपोर्ट, क्योंकि दोस्तों अभी हम गूगल सपोर्ट के पास जाएंगे तो ये मुझे डेवलपर के पास में रेफर करेगा कि मुझे डेवलपर के पास जाना चाहिए, वहाँ रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों जब डेवलपर को हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो डेवलपर क्या करते हैं कि मुझे कैंसिल कर देते हैं, तुरंत का तुरंत बोलते हैं कि मैं रिफंड नहीं दे सकता, वी कांट प्रोवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले एक बार कर ही लो, चलो गूगल सपोर्ट को हम लोग चैट नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको हम लोग कर देंगे मेल। ठीक है, उसका बाद खेलेंगे खेल कैसे, तो चलो यहाँ पर ये लोगों पे क्लिक करो, उसके बाद में हेल्प एंड फीडबैक पे आ जाओ। ठीक है, जैसे ही आ जाते हो तो आपको चैट का भी ऑप्शन मिलता है, हम आपको सब कुछ आपको स्क्रिप्ट का भी देंगे कि आपको क्या लिखकर आपको भेजना है। ठीक है, या कॉन्टेक्ट अस से इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये कॉन्टेक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आप आ जाओगे रिफंड के प्रोसेस के अंदर में। तो यहाँ पर लिख देना है कि आई वॉन्ट रिफंड, बस इतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको अदर पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप फैमिली एंड मेड परचेस करते हो ठीक है कि फैमिली ही खरीदारी की होगी गलती से आपके, लेकिन ये बोलेंगे कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो और यहीं पर केस सॉल्व हो जाएगा, जो मुझे चाहिए रिफंड वो रिफंड ये देंगे नहीं। ठीक है, तो चलो क्या करना है, यहाँ पर नीचे में सिलेक्ट वन का ऑप्शन पे गूगल प्ले ऐप का सिलेक्ट करो, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पर स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे फिर से क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई का तो चैट डिसेबल हो चुका है, ये क्या हो गया, तो नहीं, चैट डिसेबल क्यों हुआ है आप यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर ऊपर में देखोगे तो अभी 8:21 ही हो रहे हैं, 8:21 हो रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर हॉट्स ऑफ ऑप्शन पे यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि चैट कभी भी 9 से ही स्टार्ट होता है और 6 एंड हो जाता है, सुबह के 9 बजे स्टार्ट होगा। अभी तो 8:21 ही हो रही है इसलिए अभी तक ये इनेबल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 9 की ये चैट है जो इनेबल हो जाएगी, ये 7 दिन का यही रूटीन इनका टाइम है, कोई संडे सैटरडे छुट्टी नहीं है, हर दिन ये अवेलेबल है, आप कभी भी इसे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास एक ईमेल का ऑप्शन खुलता है जो मुझे पता था, इसलिए मैंने बताया कि पहले हम लोग क्या करेंगे, मेल ही करेंगे। मेल इसलिए ताकि चैट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, चैट पे अभी जाओगे, चैट कब करना है ये भी मैं बताता हूँ। तो पहले यहाँ पर ईमेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ईमेल पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपका नाम पूछा जाएगा, आप नाम डाल सकते हो, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर डाल, तो जो हमने ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी किया था वो यहाँ कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर लिख देंगे इशू। अब देखो इशू को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको 1000 वर्ड मिलते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करते हो तो इन्हें सही से समझ आता है, और सही से समझ आता है तो समझ सकते हो कि आपका काम बन सकता है। तो देखो मैंने एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले से ही, अब देखो इसको कॉपी कैसे करना है, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट कॉपी करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपका काम आसान करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो टेक्स्ट कॉपी है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो जो रियल एप्लीकेशन है उसके बारे में बताऊंगा, ये आपका रियल एप्लीकेशन है, इसको क्या करना है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मात्र 14 MB का है और ये बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है। ठीक है, ये करता क्या है कि आपका फोटो को टेक्स्ट में बदल देता है, आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो किसी भी चीज़ को मतलब। तो ठीक है, क्या करना है आपको, इसको आप मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट मार लो, एक मिनट, ये बड़ा हो जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ हल्का सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारो तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखो आ गया, एक मिनट और मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, तो मैं इस तरीके से डेट को भी छोटा कर लेता हूँ, रीजन को भी मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। तो देखो आप स्क्रीनशॉट मारोगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा, टेक्स्ट कॉपी में जाओ, उसके बाद में क्या करना है आपको, टेक्स्ट कॉपी में इजिली आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब कॉपी ये टेक्स्ट इस तरीके से आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप GPA नंबर को यहाँ पर क्या करो अपना चेंज करो, जैसे कि मैं GPA नंबर को यहाँ पर मैं क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि डेट को यहाँ पर चेंज कर लेना है, डेट अमाउंट जिस तरीके को आपने खरीदारी की थी वो आपको देख लेना है, तो जैसे कि मैं अपना तारीख देख लेता हूँ क्या था, इससे पहले ये ऑर्डर रिसिप्ट है यहाँ पर देख सकते हो ये आ चुका है, और यहाँ पर डेट देख सकते हो 11 अगस्त को ही मैंने यहाँ पर खरीदारी किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 11 अगस्त आप यहाँ पर इस तरीके से कॉपी भी कर सकते हो ऑर्डर टाइम। ठीक है, यहाँ से तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपना यहाँ पर टाइमिंग को भी इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, देख सकते हो सब कुछ यहाँ डिटेल में है, रीजन देख सकते हो बाय मिस्टेक माय सन परचेस आइटम, ठीक है, आई वांट बैक मनी, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये हो गया,
अब देखो सिंपली आपको एक चीज यहाँ पर चेंजअप करना है, वो क्या करना है कि आप जो यहाँ पर ये जो रीजन है इसको, रीजन को क्या करना है आपको हमेशा चेंज करना है। देखो भाई लोग, आप लोग हजारों संख्या में अगर एक ही रीजन को डालोगे, आप भी वही डाल रहे हो, अगले भी वही डाल रहे, सब वही डाल रहे, तो क्या होगा ना कि गूगल वाले को सेम मैसेज जाएगा, और सेम मैसेज जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा वैसा हो जाएगा, जबकि आप जानबूझ के नहीं कर रहे होगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, रीजन को चेंज करना है। जैसे कि बाय मिस्टेकली माय सन परचेज, तो आप डाल दो कि मेरे बाइक का जो मंथली है वो कटने वाला था, ठीक है, वो पैसा मेरे बच्चे ने दे दिया, या फिर और किसी तरीके से कि मेरा स्कूल फीस था, मेरा कॉलेज फीस था। इस तरीके से आपको क्या करना है, रीजन को सबको चेंज करना है, ठीक है। चेंज करके क्या करना है, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट चेंज कर दिया और जीपीए नंबर को चेंज कर दिया, अमाउंट को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, अमाउंट को जो भी है 7,500 रुपये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही लिख लेता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं कॉपी कर लिया और सेम वही चीज़ आपको करना है। अब दोस्तों डिस्क्राइब इशू में सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ पेस्ट कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, और अभी भी हमने सिर्फ 425 वर्ड को ही यहाँ पर इस्तेमाल किया, 1000 वर्ड का टारगेट था। तो आप और लंबा लिख सकते हो, और डिटेल डाल सकते हो, डिटेल में क्या डाल सकते हो, रीज़न डाल सकते हो, आप बता सकते हो कि मैंने पहले अप्लाई किया था, बता सकते हो कि मैंने 48 घंटे से पहले ही अप्लाई किया था, बहुत कुछ आप यहाँ डिटेल में बता सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से सबमिट कर देना है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो देख सकते हो ये क्या होगा कि ईमेल आपका क्या है कि आपका यहाँ पर भेज दिया गया है, ठीक है, ये आपका भेज दिया गया है। और ये इसका रिस्पॉन्स है जो आपको कब आएगा, तो आपको इसका रिस्पॉन्स है जो कुछ समय के बाद में आएगा। आपका ऑर्डर कैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, ये इससे इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब गूगल सपोर्ट से आप चैट करोगे तो उसे आप ऑर्डर दोगे, ये आईडी दोगे कि मैंने ऑलरेडी ये जीमेल को सेंड कर चुका हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि मान के चलो वहाँ से भी कैंसिल होता है, तो आपको क्या करना है कि अब आपको डेवलपर को एक बार मेल करना है। डेवलपर के लिए क्या करना है कि आपको BGMI को ओपन कर लेना है, स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे आना है। अब दोस्तों जैसे ही नीचे आओगे इस तरीके से, तो डेवलपर का मेल आपको मिलता है, ठीक है, ऐप सपोर्ट का यहाँ पर देख सकते हो मिलता है ये जीमेल आईडी। तो आपको यहाँ से कैसे करना है पहले मैं बोलता हूँ, सेम चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेम चीज को देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो चुका है, यहाँ पर भेज दिया गया है, और इनका जो रिप्लाई है जो कुछ समय के बाद में आ जाएगा, ये करके मेल आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये चीज़ यहाँ पर हो चुका है, अब डेवलपर को क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से सेंड कर देना, सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर को भी हमने यहाँ पर सेंड कर दिया, दोनों चीज़ को यहाँ पर सेंड कर दिया। अब दोस्तों मान के चलो दोनों तरीके से आपको क्या होता है, कैंसिल आता है, तो कैंसिल आने के बाद में एक और ऑप्शन आपके पास में है गूगल चैट का, जैसे कि मैं आपको बताया। तो गूगल चैट में अब आपको क्या करना है कि आपने जो यहाँ पर सेंड किया है, आप देखो दोनों जीमेल आईडी का आपको क्या करना है, दोनों आपने जो काम किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अगले को पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3 डॉट पे जीमेल के अंदर में आने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करो, इस तरीके से ये सेंड का ऑप्शन है ना, सेंड का ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करो। जैसे ही सेंड का ऑप्शन यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर देख सकते हो ये सबसे ऊपर वाला का स्क्रीनशॉट एक हमने ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये बैटल ग्राउंड को जो किया था वो वाला शो हो रहा है, बाकी वाला शो नहीं हो रहा है। तो चलो क्या करते हैं, तो उसके बाद में अगर आपका कैंसिल आता है तो आपको गूगल चैट से बात करना है। गूगल चैट से जैसे कि आप जानते हो कि किस तरीके से बात किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप बात करना, उसके लिए आप सिंपली उनसे बात करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक ऐसा चैट रख सकते हो, मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, अगर आपको बात करना नहीं आता तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आप अच्छी तरीके से उनसे बात कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट दो कि मैंने गूगल सपोर्ट को भी मैंने यहाँ पर मेल कर चुका हूँ, और सेकंड आप क्या बता सकते हो कि हमने डेवलपर को भी मेल कर चुका हूँ और दोनों ने मुझे रिफंड के लिए कैंसिल कर दिया है। तो प्लीज़ आप क्या करो, इस केस को आप ज़रूर सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र करो। अब सुपरवाइज़र का जो भी मेल आएगा दोस्तों वो फाइनल मेल आता है, अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका रिफंड मिलना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।